हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूँ एसएससी सीजीएल पे निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं अभी एलसीएमएनएस शिफ्ट, और उसी में आज हमारे पास क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है थ्री नंबर्स आर इन द रेशो 2:3:5 है आपके, एंड देयर एलसीएम इज 60। ओके, तो व्हाट इज द एसएफ ऑफ नंबर्स, है ना? तो आप देखते से बता सकते हैं क्या आंसर होगा दोस्तों। बोल रहा तीन संख्या है दो अनुपात, तीन संख्या है आपकी जो 2:3:5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्त कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है। बोला उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और बच्चे बच्चे को पता है कि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। क्या बोल रहा भाई? दो तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, बताइए, है ना? क्लियर है क्या? अगर आप इनका एलसीएम निकाले, 5 × 3 = 15 × 2 = 30 हो गया आपका। ये बोल रहा 30 नहीं है एलसीएम, कितना है? 60 है आपका एलसीएम। 30 नहीं है, कितना है दोस्तों? 60 है आपका एलसीएम। अगर 60 है एलसीएम तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? दो। एक यूनिट की वैल्यू अगर आपकी दो आ गई, देखिए चाहे तो एसएफ आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, एसएफ कितना निकल गया है? 2 निकल के आ चुका। तो ऑप्शन तो आपका ए ही राइट आंसर है। अगर आप चाहें तो संख्याएं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप संख्याएं निकालें तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 × 4 हो जाएगी संख्या आपकी। एक सेकेंड संख्या आपकी होगी 3 × 6, थर्ड संख्या आपकी हो गई यहाँ पे 5 × 10। क्लियर है क्या? और देखो 4, 6 और 10 का जब आप एस सी एफ निकालोगे तो 2 ही है जो तीनों में कॉमन है, तो आपका एस सी एफ हो गया। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए देखिए, 5 बेल्स आपके हैं कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल 5, 10, 15, 20 and 25 seconds, है ना? सेकंड में दे रखा भाई रिस्पेक्टिवली। इन 1 hour 20 minutes हाउ मेनी टाइम्स डू द टॉल टुगेदर। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 5 घंटियां हैं, कितनी घंटियां हैं? 5, जो एक साथ बजने लगती हैं और क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो वो आपसे बोल रहा है कि 5 घंटियां अलग अलग टाइम पर बज रही हैं, कोई 5 सेकंड में बज रहा है, कोई 10 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 25 सेकंड में। तो आपसे ये बोल रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगी। तो हमें ऐसी एक वैल्यू निकालना पड़ेगा जिससे कि हमें ये पता चले कि स्टार्टिंग कहाँ से की होंगी। तो भाई ये बोल रहा है 1 घंटे 20 मिनट में भी कितनी घंटियाँ एक साथ आके बजेंगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? देखो 5 घंटे एक साथ बजना, एक साथ बजने लगती हैं और कम से 5, 10, 15, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है ना। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में भी कितने बार एक साथ बजेंगी, आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, बताइए कितना हो जाएगा? 360 आई थिंक इसका एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 तो 5 ही हो गया, 10 का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख लीजिए, 5, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, और कितना? 4 × 5 = 20, 2 × 4 × 5, और कितना? 5 की पावर 2। तो अगर आप देखेंगे एससीएफ, अगर आप एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर कितनी हाईएस्ट है? 2 है। 3 की पावर कितनी है? 3 ही है। और 5 की पावर 2, तो 25 और 2 × 4 = 25, 24 × 3 = 300, 300 आपका हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? 300। हम कितना, हाँ 360 है, 300 बोल रहे थे ना, 300 एलसीएम है। ठीक है भाई, तो 300 आपका एलसीएम हो गया। 300 जो निकल के आया मतलब कितना है? 300 सेकंड। क्या है भैया आपका? 300 सेकंड है भाई, 300 सेकंड आपका एलसीएम हो गया। ठीक, तो बोल रहा है 1 घंटे 20 मिनट में भी कितने बार एक साथ बजेंगी। तो 1 घंटे 20 मिनट में अगर हम देखें तो 1 घंटे 20 मिनट में पूछ रहा है आपसे, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे + 20 मिनट। इसको सबको हम चेंज करेंगे कहाँ पे? इसको हम सबको सेकंड में चेंज करेंगे। ये कितना सेकंड? अगर आप देखो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, आप इसको पूरा कर लीजिए टोटल, देखिए 1 घंटे 60 और 20 कितना? 80 मिनट हो गया। 80 मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके क्या होगा आपका? सेकंड में। तो आपसे बोल रहा है कि जब वो 300 सेकंड, 300 आपका हो गया, तो ये बोल रहा है कि कितने 1 घंटे 20 मिनट में भी कितने बार एक साथ बजेंगे। तो आप देखिए 1 घंटे 20 मिनट में कितने बार वो रिपीट होंगी, तो आपको ये देखना है 1 घंटे 20 मिनट में। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो देखो 80 × 60 ये हो गया आपका टाइमिंग, और इसमें जो आपकी घंटियां बज रही हैं 300 सेकंड में, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि 300 सेकंड में संख्या कितने बार एक साथ बजती है। 0 से 0, 0 से 0, 3 × 6 और 8 × 16 बार, कितने बार बजती है? 8 × 16 बार।
आई बात समझ में। पर एक चीज़ उसमें ध्यान देने वाली, देखिए जब भी घंटी बजना स्टार्ट होंगी तो सबसे शुरुआत वाली जो घंटी बजेगी आपकी, स्टार्टिंग वाली घंटी, वो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि हर हर 5 5 मिनट में कोई अगर बज रही है घंटी, है ना, तो आप सोचेंगे 5 मिनट मतलब शुरुआत से लेके जो 5 मिनट जो सबसे स्टार्टिंग में बजी थी, मतलब मैं बोला 5 मिनट बाद बजती, तो यहाँ जो स्टार्ट वाली थी इसको तो आप गिन ही नहीं पाए, ये टाइम ऑफ इंटरवल को आप गिन ही नहीं पाए। आपने डायरेक्ट कहा कौन सा वाला गिना, 5 मिनट बाद वाला, फिर उसके बाद अगले 5 मिनट बाद वाला, ऐसा आपने गिना, तो स्टार्टिंग वाला तो आप गिन नहीं पाए, तो स्टार्टिंग वाला जो है वो छूट जाता है। तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं, आप प्लस में 1 जोड़ते हैं, आंसर कितना आएगा बताइए, 70 टाइम्स आपकी घंटी यहाँ पे बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 220 2028। इफ वन नंबर इज 78 तो देन व्हाट इज द अदर नंबर। बेटा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपको दे रखा है और महत्तम समापवर्त कितना है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल, मतलब बोल रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 2028 दे रखा है, क्लियर है क्या। और उसमें से एक संख्या आपको दे रखा है 78 तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है ना, तो आपको पता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, होता नहीं होता, बिल्कुल होता है ठीक। तो ये आपको ये ही दे रखा है आपको 2028, कितना दे रखा है दोस्तों 2028, और यहाँ से क्या बोल रहा है, एक संख्या 78 है दूसरी संख्या आपको निकालना, तो एक संख्या 78 सेकंड संख्या आपको निकालना है, तो 78 कहाँ जाएगा बताइए, नीचे। अरे आई नहीं आया समझ में यहाँ तक, क्लियर है क्या। चलिए अब देखिए यहाँ से, देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि देखो 13 ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 78 × 3 = 3, 8 = 24, 4 × डिजिट आएगा। यहाँ से देखिए 8 × 2 = 16 नहीं हो सकता, है ना, 8 × 6 = 48 हो सकता है और 9 × 8 = 72 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखो मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया ही नहीं, है ना, करने को तो कर सकते हैं आप, काट देंगे कोई दिक्कत नहीं, 13 से कट जाएगा। देखिए आपको पता है 78 में कुछ मल्टीप्लाई होकर ये आएगा और एग्जैक्ट संख्या आएगी, ऑप्शन से दिख रही है, 78 में किसका मल्टीप्लाई करो देखो तो ये आ जाए, तो आप बोलोगे सर 9 का नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही डिजिट आएगी, 2 का नहीं कर सकते 16 6 डिजिट आएगी, 3 का नहीं कर सकते 8 + 3 = 24 डिजिट आएगी। देखो 6 या आपकी 8 × 6 से करोगे तो 8 × 6 = 48, मतलब ये सही है, तो आंसर कितना आएगा बताओ 26, सेकंड संख्या कितनी जाएगी बताओ 26, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 26। तो बताओ क्या समझ में आए, जब तक हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना पड़े तब तक तो करना ही नहीं है ठीक है भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का 2023 का ठीक। चलिए बोल रहा टू नंबर्स आर इन द रेशो 9:7 इफ देयर एलसीएफ इज 6, एलसीएफ आपका 6 दे रखा तो फाइंड देयर एलसीएफ। बोल रहा है दो संख्या आपकी 9:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 6 है, बोल रहा है उनका अगर एलसीएफ कितना है बताइए 6 आपको दे रखा है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए ठीक है। अगर आप देखिए ये आपकी x और y दे रखा है, दो संख्या दे रखी है मतलब x और y दे रखा है, अगर आप इसमें h का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा hx और hy। अगर देखें लघुत्तम समापवर्त चाहिए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ये संख्या तो रही होंगी तो 9 × 7 और इंटू में क्या कर सकते हो 6, क्योंकि आपको पता है कि होता क्या है लघुत्तम समापवर्त, होता है एच एक्स वाई, एक्स और वाई आपको गिवन है, एच भी आपको गिवन है, तो एच एक्स वाई ही आपका एलसीएम होता है, होता नहीं होता बिल्कुल। देखो कितना हो जाएगा ये 9 × 63 मतलब 3 × 6 = 18 तो 8 आपका इन डिजिट आएगा, क्लियर है क्या। आगे बात समझ में, तो देखो यहाँ से कितना जाएगा 6 × 7 = 42 और इंटू में 9 तो हो जाएगा 9 × 2 = 18 बचा 1 × 9 = 36 और 1 = 37 378 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वो तो हम वैसे बता दिए थे 8 × 8 कितनी आएगी 8 आएगी, तो भाई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 6552 एंड देयर एलसीएफ इज 6, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दोज नंबर, आपसे ये पूछा है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर आपका दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एच एक्स इंटू में एच वाई कितना दे रखा आपका 6552 और उनका महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ आपको दे रखा, क्या दे रखा एचसीएफ कितना बताइए 6, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताइए ठीक। चलिए उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, तो आपको देखो एक चीज बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू, मतलब दो संख्या आपकी ए और बी रही होगी तो इंटू एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा उनका एचसीएफ, एचसीएफ भी दे रखा आपको ये वाला, तो एलसीएम आपसे पूछा बताओ, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको ये दे रखा 6552 आपको दे रखा था, एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ आपको ये बने 6, तो 6 × एलसीएम, तो बताओ कि डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, सिर्फ बिल्कुल आएगा भाई, 6 से काट दो, 6
एक कम छः, यहाँ से कितना जाएगा, छः छः एक कम छः, और ये जीरो आपका हो गया, छः नौ के चौवन चौवन बचे छः दूनी बारह, ये 1092 आपका हो जाएगा एलसीएम, 1092 ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर बनेगा। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएम। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 एंड 36। बोल रहा है आपसे कि 12, 24 और 36 का पहले आपको एलसीएम निकालना है और उसी के बाद आप उसको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ये आपसे बोला गया, क्या बोला गया आपसे, पहले एलसीएम निकालना है फिर उसका एचसीएफ निकालना है। क्लियर है क्या? तो अगर हम देखिए सबसे पहले कहाँ गया क्वेश्चन भाई आपका 12, 24 और 36। देखिए 36 इसका एलसीएम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, 36 आपने यहाँ पे लिख दी, कोई दिक्कत है कि बताइए 36 एलसीएम होगा, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। और देखिए 12 भी कटता है 24 भी कटता है, तो यही आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। अब बात आती है आपके पास कि एचसीएफ क्या होगा, तो बताइए कितना होगा। देखो भाई ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये भी आपका 2 से कट रहा है, 3 3 दोनों में कॉमन, 6 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 अनुपात 1 दोस्तों आपका हो जाएगा रेशो ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है बहुत आसान सा, जो कि एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन है। बोल रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3/8 एंड 4/9। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अंश का ही एचसीएफ लेते हैं और हर का क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम, मतलब कि न्यूमरेटर का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जब आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो आप समझ सकते हैं एचसीएफ किसका आएगा बताइए, एचसीएफ आएगा 3 और 4 का और एलसीएम आएगा दोस्तों 8 और 9 का। तो ये तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा एचसीएफ इसका, बताइए 1 और 8 9 के 72, यही आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता है 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनखंड होता है और 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालो तो हमेशा 1 होता है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए, नहीं है तो फिर 1 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में आपको। चलिए देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास सच दैट दे कैन मेक रोज ऑफ 8, 10, 15, 20 एंड आल्सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। बोला एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए जिससे कि 10, 15 और 20 की पंक्ति बना सकें और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो आपको पता है पूर्ण वर्ग वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, है ना, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। पहले आप देखिए एलसीएम अब डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, 20 को मान लो मैंने एलसीएम माना, क्या माना मैंने 20 को एलसीएम, तो 10 का भाग जाता पर 15 का जा रहा है कि नहीं, तो 20 का मैंने सेकंड मल्टीपल लिया, 20 दूनी 40, मुझे पता नहीं जाता, मैं बस आपको मेथड बता रहा हूँ, फिर नहीं जाता मैंने क्या 20 का फिर थर्ड मल्टीपल ले लिया, तो मैंने बोला 20 दिया कितना हो गया 60, अब यही एलसीएम होगा, आपको पता है सबको, है ना। ये छोटे नंबर से हम लोग सीखना आसानी से सीख सकते हैं, फिर बड़ा नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 10 का भाग भी जाता है, 15 के भी जाता है और 20 का तो जाता ही, तो एलसीएम कितना बन गया 20, 60 आपका एलसीएम बन गया। तो एलसीएम आया दोस्तों आपके पास 60। ठीक, एलसीएम कितना है आपके पास 60। अब बोल रहा है यहाँ पे देखो, इसको मैं और तोड़ लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग निकालना है। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, देखो 15 चौके 60, 3 5 15 और 2 की पावर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 तो जो है आपका ये पूर्ण वर्ग है, बाहर निकल जाएगा, ये आपको सबको पता है, पर मुझे बताइए क्या ये 3 और 5 निकल पाएगा, नहीं, तो हमें 1 और 3 5 की जरूरत है, 1 और 3 5 करना पड़ेगा, तो इंटू में 3 और 5। क्लियर है क्या, आइए बस समझ, अब संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 60 तो आपका था ही और 15 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छक्के 15 5 75, 15 छक्के 90, 900 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। आई बात समझ में, चलिए देखिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2.7 एंड 20.25। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए, है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन का एचसीएफ निकालने के लिए जाए तो क्या काम करिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, बढ़िया बात है। नंबर कौन कौन से बताइए, आपका है 2.7 और है आपके पास 20.25, यही नंबर है आपके पास। तो इसमें देखो करने की बात क्या है, आप सबसे पहले इसको दशमलव, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 27/10 और ये कितना हो जाएगा अपॉन में 100। देखिए जब भी आप ये वाला क्वेश्चन लगाएं तो आप क्या काम करें, कल को और भी पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, तो पॉइंट में जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए ये अगर ये 100 है, ये 100 है, तो इसको भी 100 बना लीजिए, अगर कल को 1000 होता तो 1000 बना लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो नीचे वाले का तो एस, नीचे वाले ऊपर वाले का एचसीएफ रहा होगा,
और नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम रहेगा मतलब अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा, ये तो कंफर्म है। तो देख लीजिए कौन कौन से कट रहे हैं ऑप्शन आपके, तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, नहीं नहीं रुकिए, ये ऑप्शन 100 है ना, तो आपका ये कट गया और ये कट गया, तो ऑप्शन आपके पास बचे 1.45 और 1.35, क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। अब देखिए 270 है तो मतलब 27, अब सबसे पहले इसको लिखें, अगर आप 270 को, 270 में देखो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 27 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 दिख गई आपको, क्या दिख गई दोस्तों, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 दिख गया। तो यहाँ भी देख लो दिख रहा है कि आपको, अगर आप 20,000 यहीं देख लो, अगर आप इसमें 20-25 है आपका, और इसमें अगर आप देखें, देखो 9 से अगर आप डिवाइड करते हो, देखो 9, 5 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, आंसर तो मुझे पता है कि इसका जो 3 की पावर 3 इंटू 5 ही आना है, सिर्फ 3 × 3 = 27, 27 इंटू 5 होता है आपका 135, आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही है, कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं है, ठीक है, पर फिर भी देखते हैं, क्योंकि देखो वो मैंने ऐसे देख लिया कि जैसे मैंने 27 देखा तो मुझे दिख गया 9, और 9 दिख गया तो मैंने लगाया डिजिटल सम, देखो 5, 4 और 9 और यहाँ पे 1 बच रहा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, 5, 3, 8, 9 यही आंसर होगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है, पर फिर भी बेसिक से अगर देखें तो देखिए ये हो गया। तो अगर आप इसको आप तोड़ोगे तो 25 से काट दो भाई, वो 9 से काट दो, 9 × 18 बच्चा कितना 2, और फिर 9 × 18 9, 5, 45, तो फिर इंटू 9 हो गया, देखो 3, 3, 9 आपका बच्चा। अब देखो ये इसको अगर आप देखो तो ये होता 25 × 225, ये 9 और ये 9, देखो तो 81 हो गया, बहुत है अपने पास, और यहाँ 5 मिल गया, बस कहानी खत्म। क्योंकि आप ले कितना सकते हो, सिर्फ आप ले सकते हो 3 की पावर 2 × 5, 3 की पावर 2 × 5 ही ले सकते हो, वही आपका एचसीएफ था कितना, 3 की पावर 2 × 5, और वो कितना हो गया 135, तो 135 बाहर आ जाएगा भाई, ये 135 आपका हो जाएगा 135, और देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.35, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही बात समझ गए। चलिए देखिएगा, बोल रहा व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 0.25 एंड 1.25, बस वही कहानी, 0.25 मतलब मैंने क्या लिखा 25/100, और ये कितना हो जाएगा 1.25 मतलब कितना अपॉन में 100, ठीक है, दोनों तरफ 100-100 हो गए, दिक्कत नहीं, तो अपॉन जो भी आएगा वो तो क्या होगा दोस्तों, अपॉन में 100, दो संख्या के बाद दशमलव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा या ए होगा या बी होगा। अब बात करते हैं 25, और देखो ये कितना होता है, ये 5 की पावर 2 होता है, अब आपको निकालना क्या, एचसीएफ ही निकालना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये 5 की पावर 2 होता है, ये कितना होता है 5 की पावर 3 होता है, तो लेते हैं हम लोएस्ट पावर, तो 5 की पावर 2 मतलब 25/100, खत्म कहानी, 0.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा, बोला व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 84 एंड 24, बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 84 और 24 से पूर्णतः विभाजित। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से खेल लेते हैं, ऑप्शन से अगर समझ नहीं आया तो फिर बेसिक पे आएंगे, ठीक है, और आपको पता है बेसिक भी बहुत आसान है, इसका दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बेसिक भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है 8 + 24, सबसे पहले 8 मिल गया आपको, देखो ये हो जाएगा 8, 8, 8 + 24, तो बचेगा कितना 6 बचेगा आपका, तो ये चल जाएगा भाग, ठीक है, ये भी चल रहा है 8 से भाग, 8, 8, 64, 8 ये भी जा रहा है 8 से भाग, 8, 9, 72, 72, 4 ये नहीं जाएगा, बस एक ऑप्शन बस कटा भाई 8 से, ठीक है। चलिए 3 का देख लेंगे, तो 4, 3, 7, 7, 8, 9, ठीक है, 6 और 5, 11, 7, 18 सही है, 6, 4, 10, 10 और 6, 16, 16, 17, 18 ये भी ठीक है, तो अभी इससे कुछ नहीं कटा, यहाँ आ गया आपका 7, क्या आ गया आप 7 देख लो, 7 × 21 = 22, 23, 2 बचेगा, 7 × 14 बचेगा 6, 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 देखो 7 × 7 और 7 से डिविजिबल है, 7 से देख लो इसको, 7 × 7 बचेगा, 7, 4, 11, फिर 7 × 6 = 42 बचेगा कितना 42 है ना, 4 बच जाएगा, ठीक है, और 7 × 42 फिर 4 बच जाएगा, ये भी 7, तो ऑप्शन नंबर आपका ए के सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये सब कुछ मैंने डिविजिबिलिटी से किया, नहीं बार समझ में। अब देखो बेसिक कर लेते हैं इसका, सबसे पहले अगर देखो इसको तोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर 2, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12, 7, 84, 3 × 2 की पावर 2 × 7, इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 3, 8, 24, तो 2 की पावर 3 × 3, ठीक, आई बात समझ में। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, 2 की हाइस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, तो 2 की हाइस्ट पावर 3 दिख रही है, 3 की हाइस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 3 की हाइस्ट पावर 3 ही है, और है आपके पास 7, ठीक, आई बात आपको समझ में क्या। अब देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको, देखो ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 एक और लगेगा, तो 1, 2 का मल्टीप्लाई आपको और करना पड़ेगा इसमें,
एक तीन का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, एक सात का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले इन चेक कर लेते हैं। देखो, 7 21, 2 1 2, 7 2 14, 4 4 3 12, 2 और 2 2 4, तो देखो 4 आपका कहाँ दिख रहा है, नहीं 2 8 16, 6 नुट जाएगा, ये 8 होगा आपका, तो 8, तो ऑप्शन नंबर 6 कहाँ दिख रहा है, 6 एक की जगह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऐसे भी आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, 7056। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? अरे आए कि नहीं आए, बेसिक भी बता दिया और ट्रिक से भी देख ली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, बोल रहे द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 45, ओके, देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 5 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, दो संख्याओं का योग आपका 45 है, उनका महत्तम संभावक आपको और लघुत्तम संभावक कितना, 5 और 70 है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा है। देखिए, दो संख्याओं का व्युत्क्रम, अगर मान लो वो संख्या आपकी ए और बी रही होगी, तो आपसे वो ए प्लस बी अपॉन में क्या पूछ रहा है, ए इंटू बी, दो संख्याओं का योग इंटू में दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपसे पूछा। आपको एक चीज़ पता होगा कि आपको जब एचसीएफ और एलसीएम दे रखा, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए, तो आपको बोल रहा है एचसीएफ कितना है, 5, और एलसीएम है आपका 70, मतलब दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी, तो बताइए आपको निकल गया यहाँ से ए इंटू बी इक्वल टू कितना, 5 इंटू 70 निकला। ठीक, ये निकल गया हमारा 5 इंटू 70। देखिए यहाँ से ये आ गया आपका, क्लियर हो गया, नीचे तो कितना है 5 इंटू में 70, और आपको दे रखा दो संख्याओं का योग कितना 45, तो ये हो गया आपका 45, 5 9 45, आंसर आएगा दोस्तों 9/70, रही आपका राइट आंसर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो कि ए है क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। तो मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5 3 एंड 10 7। ठीक है, देखिए 5 3, आज हम इसको एक काम करते हैं, बेसिक से आपको देखते हैं। देखिए, अगर हम इसका बेसिक देखें तो 10 7 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे, 513 से, अगर 513 से मैं इसका डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो कितना बचा, देखो ये आपका आ गया 2 बार जाएगा, तो 5 2 10 10 कर लिए, 5 2 तो 2 3 6, ठीक, 13 2 26 नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 5 10 और 13 2 26, 26 तो है नहीं, तो एक ही बार भाग जाएगा दोस्तों, एक ही बार भाग जाएगा, एक बार भाग दे दी भाई, तो कितना ये आ गया 513, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 504 आ गया। अब क्या करते हैं इसके बाद हम, ये जो आपका रिमाइंडर, ये भाजक बन जाता है, और जो भाजक है वो डिविडेंड बन जाता है, भाज्य बन जाता है, फिर एक बार और भाग देंगे तो कितना आएगा 504, 13 में से 4 गए 9 बचा आपका दोस्तों। ठीक, अब 9 के बाद अगर आप फिर से आप ये 504 को भाग देंगे तो देखो कितने बार जाएगा, जितने बार भी जाए पूरा डिविजिबल है आपका, क्योंकि 9 5 45 है ना, 9 5 45, 9 5 45 और बचेगा कितना, 5 9 6 54, पूरा भाग चल जाएगा आपका इसमें, तो देखो लास्ट वाला जो बचता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो बताइए एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों आपके पास, 9 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आई बात समझ में। चलिए अब देखो इसको और भी कर सकते हो आप, 5 3 आपने लिया था और कितने लिया था, 10 7 है ना। ठीक, इसमें देखो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लो तो डिफरेंस कितना आ रहा बताओ, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गए 0 और 10 में से 5 गए 5, 504 आ गया। ठीक, अब 504 आपको आ तो गया, इससे एक चीज़ समझ में आई कि 504 अगर आ रहा है दोस्तों, और इसको तोड़िए ज़रा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, 3 से तोड़ लो इसको, 2 से तोड़ लो, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 बचा 1, 2 5 10 और 2 2 4 इंटू में 2, 200 और तोड़ लो, ठीक, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 इंटू में हो जाएगा 4, और कट जाएगा 2 6 12, 2 3 6 इंटू में हो जाएगा ये 8, अब 63 × 8 बचा आपका, कितना बचा, 63 × 8, और देखो 8 से 8 आपका क्यों नहीं हो सकता, अगर 8 में लेता हूँ, देखो 8 डिविजिबल है कि नहीं है, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं, दोनों संख्या आपकी देखो 5 3 8 1 9 7 8 1 9, 9 9 से डिविजिबल है, समझ रहे हो, संख्या किससे डिविजिबल है, 9 से, तो 9 ही आपका राइट आंसर, 7 9 63, 7 9 63 इंटू में 8, तो 9 ही आपका होगा जो आपका फैक्टर पूरा डिविजिबल होगा, 9 से आपको करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, क्या बनेगा, एचसीएफ 9 बनेगा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है दोस्तों, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस 3 डिफरेंट नंबर्स इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तीन भिन्न भिन्न संख्याओं का जो एलसीएम है वो 40 आपको दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए आप एक चीज समझिए कि अगर तीन तीन भिन्न भिन्न संख्या आपके पास दे रखी है और जिसका एलसीएम आपको गिवन है, दोस्तों क्या गिवन है आपको, एलसीएम, और एलसीएम कितना बताइए 40 आपको गिवन है। अगर एलसीएम 40 है, देखिए समझिए कि एलसीएम अगर 40, निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम समापवर्त हो सकता है, एलसीएम में आपको पता सब आ जाता है। अगर हम एलसीएम का फैक्टर करें तो आप देखोगे कि 2 की पावर 3 इंटू कितना आएगा बताओ 5, और यहाँ आप देख रहे हो कि 5 की हाइस्ट पावर कितनी बताइए 1। अगर 5 की हाइस्ट पावर 1 है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 के साथ आप देखो 2 मिलकर 10 बन जाएगा, 5 के साथ 4 मिलकर 20 बन जाएगा, 5 आपका ऑलरेडी है, तो एक नंबर 25 है 25 ही है जो आपका अलग सलग बैठा भाई, तो यही आपका राइट आंसर है, 25 कभी आपका एलसीएम नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वह कभी आपका एससीएफ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? चलिए देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने रहा, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपसे पूछा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इस नंबर्स का। एक चीज आप समझिए, अगर आपको एससीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, जो एससीएफ होता है डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल देते हैं। तो अगर हम बात करें इसका एससीएफ की, तो आपको सबको पता है कि ऊपर अगर आप एससीएफ देखें तो ऊपर एससीएफ कितना बनेगा बताइए 2 बनेगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 11 दिख रहा है, यहाँ 22, आपको निकालना क्या बताइए, नीचे वाले का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम में देखो 11 आ गया, 5 आ गया, और क्या आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना आंसर 1/55 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी 1/55 आपका क्या बनेगा राइट आंसर। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीस्ट लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बोल रहा है कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है जैसे 8, 10, 12, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 5 प्राप्त होता है, ये आपसे बोला गया। देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, एक तरीका तो यह है कि आप सबसे सब ऑप्शन से क्या घटा लें 5 घटा लें, तो 5 घटा लीजिए भाई, है ना, शेषफल अगर 5 प्राप्त होता है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्लस करते हो तो ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा माइनस, देखो अगर इससे माइनस कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा ये 392 हो जाएगा, माइनस 5 कर दूं कितना हो जाएगा 360 बन जाएगा, माइनस 5 कर दूं कितना बन जाएगा आपका 366 बन जाएगा, माइनस 5 अगर आपका कर दूं मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 403, ठीक आई बात समझ। चलिए आप देखिए यहाँ से किस नंबर से डिविजिबल होगा, देखिए आपको दिख रहा है इनो डिजिट 0, अगर इनो डिजिट 0 दिख रहा है तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि अगर ये 10 से डिविजिबल है तो इनो डिजिट क्या होना चाहिए 0, और वो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, बाकी कोई आंसर आपके हो नहीं सकते, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ये 12 से है तो 12 के लिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 है आपका देखो 6 और 3 9 से भी डिविजिबल है ना, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 10 से डिविजिबल है, अगर एक जगह और 0 होता तो हम लोग और आगे बढ़ते, पर करने की जरूरत नहीं। और अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक में पहले आप इन सब सभी संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, ठीक है, और इनटू में के और प्लस में कितना जाएगा आर, ये आपकी संख्या निकल जाएगी, तो सबको पता है कैसे आप करते हो करके, है ना, तो सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ से निकलेगी। ठीक है भाई, चलिए, है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 12। तो बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 8 और 12 दोनों से विभाज्य है, सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या। देखिए इस चीज को ऐसे कर लीजिए, 8 और 12 अगर बोल रहा है 8 और 12, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए आप एलसीएम, एलसीएम अगर आप निकालोगे 2 की पावर 3 होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर हम फैक्टर में आप बात देख रहे हैं, फैक्टर ले देखें आपको फैक्टर ही निकालना है, और ये कितना हो जाएगा 2 × 4 × 3। अगर आप बात करें तो इसका एलसीएम आएगा भाई 2 की हाइस्ट पावर 3 और आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। अब आपको इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाना दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताइए 2 की पावर 3 है तो 1, 2 और लगेगा, जब तो 2 की पावर 4 होगा, यहाँ अकेला 3 बैठा तो 1, 3 और लगेगा, क्लियर है क्या? देखो ये ऑलरेडी आपका 24 तो था ही, तो आपको पता था 3 × 2 = 6 आपका और हो जाएगा, तो 6 × 24 = 4 + 2 = 6 × 12 = 13 = 14 144 आपका राइट आंसर बनेगा, 24 × 6 = 144 होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका क्या बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, बहुत ही शानदार लेवल का, क्या बोल रहा है देखिए एग्जामिनर कि द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 6 मीटर, 4 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है भाई, बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर है, कितनी कितनी लिख लीजिए आप, कितनी है भाई 6 मीटर है आपके, है ना 6 मीटर है, एक है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, और भाई साहब एक आपको दे रखी 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या,
तीन चीजें आपको दे रखी, बोल रहा उस सबसे लंबे टेप की लंबाई क्या, सबसे लंबे बोल रहा मतलब क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा जो कमरे के आयताकार सटीक रूप से मापा जा सके। सबसे पहले क्या काम कीजिएगा बताइए, सबसे पहले इस सबको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज, क्योंकि आंसर सारे किसमें हैं आपके सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर चेंज कर लो। ये कितना हो गया बताओ 600, ये हो गया आपका 480 और दोस्तों ये हो गया आपका 360। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। चलिए अगर आप यहाँ से LCM की बात करें, SCF की अगर आप बात करें तो देखो SCF क्या बनेगा दोस्तों आपका, यहाँ से इन दोनों का अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा, देखो 0 8 में से 6 गए 2 और 4 में 3 120 आपका आ गया, कितना आ गया 120। 120 में 600 का भाग जाएगा 12 5 60 12 4 12 36 120 आपका क्या हो गया यहाँ पे, 120 आपका यहाँ पे हो गया दोस्तों SCF। 120 क्या हो गया SCF, तीनों में भाग जा रहा है तो एक्चुअली 120 है क्या आपका पूरा सेंटीमीटर, अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताए, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपके पास 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है दोस्तों, बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1500 एंड देयर SCF इज 10। अच्छा जी, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स दे रखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 1500, उसका जो SCF है वो कितना है 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताना। देखिए बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है बताइए, HX इंटू HY कितना दे रखा है आपको 1500, ठीक है गुणनफल बोला तो आपसे बोल दिया आपको पता है ये है ना, और क्या दे रखा है आपको उनका, तो उनके संभावित युग्मों की संख्या, ठीक है भाई तो आपको दे दिया देखो H और क्या बोल सकते हो आप, H आप बोल सकते हो, ठीक है ये हो जाएगा HF है ना, ये हो गया आपका, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एच स्क्वायर हो गया दोस्तों यहाँ पे और एक्स इंटू बाय हो गया इजिकल टू 1500, और आपको पता है एच कितना आपके पास 10 है, तो एक्स इंटू बाय इजिकल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 100 हो जाएगा मतलब कितना आ जाएगा 15, तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि एक्स इंटू बाय इजिकल टू कितना होगा 15, तो आप यहाँ से बोल रहे हैं कि कितने पेयर कैसे कितने युग्म बन सकते, देखो एक युग्म तो आपका बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा 1 इंटू 15, दूसरा पेयर अगर आप देखो तो एक बनेगा 3 5 15 बस, तो कितने पेयर बन पाएंगे ओनली 2 पेयर आपके बन पाएंगे, कितने पेयर 2 पेयर आपके बन पाएंगे, यही आपका राइट आंसर है। तो दो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, SSC CGL टायर 2 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, आई बात समझ में, ठीक है 2 पेयर आपके बन पाएंगे और कोई नंबर है नहीं है ना, 2 ही आपके पेयर है। चलिए यहाँ बोल रहा आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इन दोनों का क्या निकालना आपको LCM निकालना। अगर हम यहाँ से LCM की बात करें तो बताइए क्या आएगा, देखो यहाँ पे आप देखिए 8 लेके आना आपको और देखो 3 5 कितना होता है आपका 15, और यहाँ पे अगर देखो तो कितना लेके आना 6 लेके आना, 3 2 6 और दोनों का सम होता है 5, तो दोनों का सम होता है 8, तो बताओ यहाँ से क्या पेयर बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा दोस्तों एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5 है ना, और यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये एक बात हो गई, यहाँ से देखो तो x माइनस 3 और x माइनस 2 ये आपका बनेगा। क्लियर है क्या, तो क्या आपका LCM जाएगा, आपको LCM बोला था, LCM में सब कुछ लेते हैं हम बताइए, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, ठीक है फिर आप देखोगे x माइनस 5 कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं x माइनस 5 भी ले लेंगे और x माइनस 2 भी ले लेंगे, तो सब ले लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन बना बताओ, x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो बताओ समझ में आई कि नहीं कहानी, ठीक है या आप इसको और बेसिक से कर सकते हैं चाहे तो है ना, इसको अगर आप लिख सकते थे x, इसको लिख सकते दोस्तों आप क्या, अरे x इसको लिख सकते थे माइनस 3 5 15 है आपका वो, तो माइनस 5x माइनस 3x और प्लस में कितने लिखते थे 15, ठीक है x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 ये हो गया आपका, तो एक आ गया x माइनस 5 दूसरा भी आ गया x माइनस 3, ठीक है भाई तो बेसिक भी हमने बता दिए साथ साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई ये आपका सीजल टायर 2 का ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि बोल रहा है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको SCF x और y है इस 15 देन द SCF आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है यदि x और y का महत्तम संभावित कितना, x और y आपकी दो संख्या रही होंगी और इनका SCF वो आपको बोल रहा है कितना है 15 है, ठीक है दो संख्या है आपकी x और y, बोल रहा है यदि x और y का SCF कितना है आपका 15 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी 36x² माइनस 81y² और 81y² माइनस 9y², तो आपसे बोल रहा है SCF खालिस किस नंबर से विभाज्य होगा, ठीक है तो आप एक चीज़ देखिए कि आपका इसमें 15 तो रहेगा ही रहेगा, 15 क्या है आपका x और y दोनों में कॉमन है, x और y का SCF आपका अगर 15 है तो एक चीज़ समझिए कि x और y का 15 जैसे हमने बोला HX है आपका HY है, तो इन दोनों का SCF कितना आया H आया, जो किससे डिविजिबल है HX से भी और
एच वाई से भी है कि नहीं डिविजिबल, तो यहाँ से बताइए जो 15 है आपका दोनों तरफ डिविजिबल होगा, और एक्स और वाई का क्या है, ये एस सी एफ है। अगर आप यहाँ से देखो तो कॉमन निकालने की अगर हम बात करें, यहाँ से देखो यहाँ से 9 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ से भी 9 कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी आ जाएगा, तो 9 कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो 9 चौके 36, 9 आपका आ गया पहले कॉमन, अभी और फैक्टर देखेंगे पर 9 कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा बताओ आपके पास, 9 अगर आपने कॉमन निकाले दोस्तों, आपके पास बचा यहाँ से 4x² माइनस 9 में 9 में 81 हो जाएगा 22 स्क्वायर, एक चीज़ आपके पास ये होगी। अगर आप यहाँ से देखें तो कितना बचेगा, देखो 9 में 9 में 81 x² माइनस 9 एकम 9 22 स्क्वायर, क्लियर रखें ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और बाय स्क्वायर है, आपको पता है कि ये एक्स जो एक्स और बाय का क्या है एस सी एफ, तो यहाँ भी 15 हो सकता है, मतलब आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 15 × 15 आपका हो सकता है, यहाँ पे यहाँ भी क्या हो सकता है 15 × 15, तो दोनों जगह से क्या कॉमन हो सकता है एक्स और बाय से आपका 15 और 15 कॉमन हो सकता है, तो साथ में क्या कॉमन आएगा बताओ 15 × 15 भी आपके साथ कॉमन आएगा, नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये नंबर है आपका, और ये नंबर किससे डिविजिबल है तो बताइए, 135 15 नंबर होता है 135, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किससे डिविजिबल होगा 135 से डिविजिबल होगा। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ से 9 कॉमन निकाले तो ये आपका 9 हो गया, फिर आप देखो यहाँ से और क्या कॉमन निकलेगा, और क्या फैक्टर आपका डिविजिबल हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर क्या है देखिए यहाँ पे एक्स और बाय का ही एस सी एफ 15 है ना, तो एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे 15, तो ये 15 15 के स्क्वायर, यहाँ भी बाय तो बाय का 15 के स्क्वायर, यहाँ भी ले सकते हैं 15 तो 15 के स्क्वायर, यहाँ भी 15 के स्क्वायर 15, तो देखो 15 का स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो 15 का स्क्वायर जब कॉमन आया तो बचा कितना 15 × 15, ठीक है भाई। तो आप देख लो ये किससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 15 × 135 ए से डिविजिबल, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है ना, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोला द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 और 9 इन ईच केस, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना जो 3, 5 और 9 से आप विभाजित करते हो तो समान शेषफल 2 देती, सबसे पहले 2 शेषफल दे रही, तो आप क्या काम करो 2 घटा दो है ना, हम ऑप्शन से करके देखते हैं, पहले आपने इससे 2 घटाया कितना आया 9, 9, इसमें आ गया आपका 9, 9, 7, इससे 2 घटाया कितना आ गया 9, 8, 2, इससे 2 घटा दिया कितना आ गया 9, 9, 6, और इससे 2 घटा दिया भाई तो आ गया 9, 9, 0, ठीक है क्या, इतना समझ में आया। अब आपको एक चीज़ और देखना है कि ये 3, 5 और 9 आपके पास टूल क्या है, एक तो 3 है, एक तो 5 है और एक तो 9 है, तो देखिए सबसे पहले 5 को पकड़ते हैं, देखो ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल, एक ही संख्या डिविजिबल है 9, 9, 0, एक ही में आपका आंसर आ गया, तो देखिए ज़्यादा आसान है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप फट से देखते 2 रिमाइंडर है आपका, 2 रिमाइंडर किस में घटेगा 5 डिविजिबल होगा, आप बोलते बस एक ही संख्या है जिसमें ये भाग जा सकता था, तो आंसर देखते से खत्म था। एक क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 का है, मतलब टायर 2 का थोड़ा अच्छे लेवल का होना था, पर कोई बात नहीं है ना, तो हर क्वेश्चन आपके टफ नहीं आते सीजीएल टायर 2 में, आपको समझना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए भाई, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स हुज एलसीएम इज 48 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 384, उन संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त के बीच अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समवर्त 48 है, वो बोल रहा है कि जिसका एलसीएम आपका दे रखा है 48 और संख्याओं का गुणनफल। देखिए आपको एक चीज़ पता होगी, पहले तो आप ये देखिए कि आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इजिकल टू क्या होता है ए इंटू बी, दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों आपको लघुत्तम समवर्त दे रखा है 48, एचसीएफ आपको नहीं गिवन है और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384, आई बात समझ में, तो क्या बताओ यहाँ से क्या निकल सकता है एचसीएफ निकल सकता है। आपको पूछा क्या है उन संख्याओं का महत्तम समवर्त, मतलब एचसीएफ ही पूछा है और साथ में क्या पूछा बताइए उनका एलसीएम के बीच अनुपात, एलसीएम के बीच अनुपात एलसीएम कितना बताइए आपके पास, एलसीएम भी हमें गिवन नहीं है, है ना, एलसीएम गिवन है, एलसीएम कितना हमारे पास 48 जो आपको दे रखा था, एलसीएम आपका 48 है, आपको बस चाहिए एचसीएफ, और एचसीएफ कितना होगा आप देखें तो एचसीएफ आपका हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से अगर आप देखो काटे पीटे करो यहाँ से तो आपको यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी और वो क्या होगी देखो हो जाएगा 12 चौके 48, तो 12 36, 12 2 24 और 4 8 32, तो कितने बार चला गया एचसीएफ आ गया आपका 8, एचसीएफ कितना आया दोस्तों आपके पास 8 आ गया, तो 8 कहाँ जाएगा यहाँ, और 8 × 8 = 8, 8 × 48 1:6 आपका क्या बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ही शानदार लेवल का। चलिए देखिएगा साहब, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द नंबर, आपसे पूछा है क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए सबसे पहले 1026 2268 और क्या हो जाएगा 2430, ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम कीजिएगा
आपको सबसे पहले इनका निकालना पड़ेगा डिफरेंस। देखो इनको डिफरेंस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है और 24 30, ठीक है ये बड़ी संख्या है। 10 में से 8 गए 2, 12 में से 6 गए 6, है ना, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गए 1 और 162, कितना है आपके पास 162। ठीक है अब क्या काम कीजिएगा, इसका 162 से डिविजिबल है क्या, हो तो सकता है ना, पर देखिए यहाँ LCFE वाला नहीं, तो इसको और कॉमन कीजिए, 2 8 16, 2 1 2 और इंटू 2, ठीक है 81। बताइए 81 है क्या, बताइए 81 है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे नहीं, 81 नहीं हो सकता दोस्तों, LCF बोला ना, ठीक है LCF 81 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक है यहाँ पे जीरो है तो डिविजिबल नहीं है, है ना। फिर 81 देखो, 81 के बाद कौन सा फैक्टर होगा, इसको पहले अलग कर लो आप, ये होता है 3 3 9 3 27 3 81 इंटू में 2 आपके पास है। देखो अगर आप बोलो 3 3 9 3 27 आपने लिया और इंटू में 2 लिया तो कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट कोई कौन सा आता है 54 आपका आता है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं ना आपके, 54 से डिविजिबल है क्या, तो 54 से डिविजिबल हो जाएगा, तो भाई ए 54 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है आई बात समझ में, चलिए देखिए भाई क्या बोल रहा है, व्हाट विल द लीस्ट नंबर विच मैन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 18 25 एंड 32। बोल रहा है छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 15 18 25 32 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो देख लीजिए क्या नंबर आपके होंगे। सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसका एलसीएम, क्या निकाल लीजिए दोस्तों इसका एलसीएम कितना होगा, देखो ये है आपका 3 5 15, 3 3 9 2 18, 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 5 है, तो आप देखो क्या निकल गया, 2 की पावर 5 निकल गया, 3 की पावर 2 निकल गया, 5 की पावर 2 निकल गया, क्लियर है क्या, तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। ठीक है तो देखो कितना हो जाएगा ये 9 2 18 8 1 9 3 27 और 28, ठीक है ये देखो इसका मल्टीप्लाई करना 25 में कितना हो जाएगा 25 8, इसको लिख सकते हो आप 4 से कट जाएगा, 25 लिख सकते हो 100/4 लिख लो, 100/4 4 7 28 4 2 8 कितना जाएगा 7200, तो कितना एलसीएम आया दोस्तों इसका 7200। अब आपसे ये बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसका क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह इससे विभाज्य होगी, तो इसका एलसीएम कितना आया बताइए 7200, तो इसका 7200 अगर एलसीएम आया तो आपको देखो कौन सी संख्या दोगुना करने पर 7200 आ रहा है, देखो 7200 आंसर होगा नहीं, 6400 नहीं होगा, 3200 नहीं होगा, तो आंसर होगा 3600, 3600 × 2 करोगे तो कितना होगा 7200, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ लोग इसको फट से देख के क्या लगा देंगे 7200 और गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई चलिए, तो यहाँ तक आपके हो गए भाई 75 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से जो भी स्मार्ट अप्रोच हो सकती है हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है, तो भाई आप शानदार तरीके से तैयारी करते रहें और जो हाँ भी डाउट है उसको अलग ही कॉपी में नोट करते रहें। ठीक है भाई तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।